नमस्कार, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं इस समय यूपी न्यूज़ क्लिक.com की खास सीरीज किस्सा गांव के विकास का। तो इसी मुहिम के तहत आज हम चल के आ पहुंचे हैं अयोध्या जिले के ब्लॉक मिल्कीपुर के ग्राम सभा मेहदोना में। इस ग्राम सभा में जब हम प्रवेश किए तो हमें यहाँ पे इस गांव के काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग एकत्रित हैं। हालांकि विकास के मामले में हम बात करेंगे, विकास को लेकर के यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रधान द्वारा यहाँ पे कितने विकास के कार्य किए गए हैं। जैसा कि आपको बताते चलें कि प्रधान के कार्यकाल को लेकर के 4 साल पूर्ण हो गए हैं और कुछ ही समय बचा है विकास करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि 4 साल में कितना विकास के कार्य किए हैं, कम समय में और कितना विकास करेंगे। तो आइए, गांव के लोग यहां पे एकत्रित हैं, इन्हीं से जानते हैं। चाचा जी, हम इनसे बात करना है। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फकीर मोहम्मद है। अच्छा, हमने जहां तक सुना कि यहां की जो प्रधान है जी हाँ वो महिला है। जी हाँ। क्या नाम है, आप उनका जानते हैं? हाँ, मैं श्री बानो। अच्छा, महिला प्रधान है जी हाँ। 4 साल बीत भी गया, समय बहुत कम बचा है जी हाँ। अच्छा, समय जो कम बचा है बताते हैं ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे। हाँ, हर कोई यही बताता है, लेकिन जो 4 साल बीत गया है इसमें ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य क्या किए गए हैं? इसमें ये खड़ंजा वगैरह है, RCC है और नाली है, जितने भी मतलब लैट्रिन वगैरह जो भी हमारे यहाँ सारी काम हुआ है, सरकार से आया है, वो हमको मिला है। अच्छा, शौचालय सबसे बड़ी सरकार की जो प्राथमिकता थी, शौचालय हाँ। आप लोगों को मिल गया? मिल गया जी हाँ। अच्छा, ये कितना दिन पहले मिला शौचालय? ये हमको 2 साल हो गया मिले। 2 साल जी हाँ। अच्छा, ये शौचालय के हालात देखा जाए कि जिस तरीके से दिखाया जाए शौचालय। अच्छा चाचा, ये शौचालय सब लोगों का ऐसा ही है जो दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो चालू है। देखिए, हम आपको ऊपर दिखा दें, हमारा ऊपर है। अच्छा, हाँ, यूज करते हैं? हाँ, यूज करते हैं उसको। अच्छा, कुछ लोग तो मिस यूज करते हैं, देखिए जैसे नहीं दे रहा है। आइए, हमारे लड़के का है, एक ही में काम चल रहा है, तो इसलिए इसको भी चालू कर देंगे। अच्छा, अभी काम चल रहा है, हम इसको भी चालू कर देंगे। चाचा एक बात बताइए, जब लड़के का आपका है, आप लोग एक ही में रह रहे हैं? अलग रह रहे हैं। खाना पीना सब अलग है। अच्छा, अलग है ये बात। शौचालय के काम एक शौचालय में एक ही चल रहा है। अब जैसे मैदान जाते थे वैसे एक ही इसमें चल रहा है, ये भी हम चालू कर देंगे। एडजस्ट जैसे भी आप कर रहे हो, अलग चीज है। चाचा जी, प्रधान का क्या नाम है यहाँ पे? प्रधान का मैं श्री बानू नाम है। महिला प्रधान? जी हाँ, महिला प्रधान है। अच्छा। और जो है यहाँ पे राशन कार्ड सबका बना हुआ है। अच्छा, राशन कार्ड सब जी हाँ। आपका बना है? जी। कितना किलो राशन आपको मिलता है? हमको मिलता है 1 यूनिट 5 किलो। हाँ, लोग कितने हैं उसमें? जो है मेरे सदस्य 6 लोग हैं मेरे कारण में जी। तो 30 किलो होना चाहिए जी? 30 किलो बराबर। अच्छा, इसमें कहीं शिकायत आती है कि कोटेदार राशन कम देते हैं, घटतौली करते हैं, कटौती करते हैं? कम देते होंगे वो जाने। अच्छा, लेकिन हम मेरे ख्याल तो ये है कि मेरे जहन बराबर मिल रहा है, सब मिलता है। क्या नाम है? हाँ, मोहम्मद कलीम खान। अच्छा, यहाँ पे सफाई को लेकर के हम बात करेंगे। नालियाँ यहाँ पे प्रधान द्वारा कुछ बनाई गई हैं कि अब पानी की निकासी नहीं हो पाती, अभी भी दिक्कत है? नहीं, हो रही, दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, नालियाँ सब बन गई, ये सब नालियाँ बन गई। हम आगे चल के आ रहे हैं, कुछ नालियाँ हमें भटी पड़ी मिली, हमें लगता है कि सफाई कर्मी यहाँ पे नहीं है। नहीं, सफाई कर्मी की बात नहीं, उसमें थोड़ा विवाद है। विवाद है? हाँ, ये पटीदारों द्वारा जो है विवाद चल रहा है, तो अब बाग की तरफ से पानी नहीं ले जाना दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं। अच्छा, इसीलिए नाली जो है? हाँ, इसीलिए। अच्छा, चलिए ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे और भी कुछ लोगों से और जानते हैं यहाँ के विकास के बारे में। जैसे कि कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। चाची, आप हमको बताइए, यहाँ की जो प्रधान है आप उनको जानती हैं? जानित है। क्या नाम है उनका? अमानुल्ला। नहीं, वो उनके महिला? हाँ, महिला मैं ऐसा नहीं बानो। अच्छा, आप लोगों के बीच में कभी आती हैं वो मुलाकात करने के लिए? आती हैं, बराबर आती हैं। हाँ, आती है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपको कि 4 साल में कुछ काम वाम भी कराए हैं गांव में कि खाली प्रधान? बहुत बहुत देखो काम कराए हैं। हाँ, बहुत। क्या विकास के कार्य किए गए हैं जो पहले नहीं था 5 साल में, अब इनके कार्यकाल में किया गया हो? पहले ना लैट्रिन थी और ना ये रोड बनी थी, अब रोड बन गई, नाली बन गई। अच्छा, तो ये इन्हीं के कार्यकाल में? नहीं में हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आने जाने का रास्ता भी नहीं था, शौचालय लोगों को मिल गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, राशन कार्ड है चाची आपका? हाँ, राशन कार्ड है। राशन मिलता है? हाँ, राशन बराबर मिलता है। कितना किलो राशन मिल जाता है? मिलता है हमको 1 यूनिट पर 5 किलो देते हैं। हाँ, कितना मिलता है टोटल यूनिट? कितनी? हमको 35 किलो मिलता है, लाल वाला है। कमी नहीं होती ना राशन में और ना जगह में। रोड देखिए चमक रही है, RCC जी, नाली आपके सामने है, हैं? अरे ये रोड दिखाइए, ये रोड जमाने से बंद थी, इन्हीं की वजह से बनी है ये रोड। मतलब लाल
ये ताजिया की। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग और एकत्रित हैं, आइए उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के विकास के बारे में। इस ग्राम सभा में एक गली ऐसी भी है जहाँ पे नाली भी बनी है और आने जाने के लिए रास्ता भी है, लेकिन यहाँ इस नाली को साफ करने के लिए यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं आते हैं। हालांकि ये मैं नहीं कह सकता हूँ आते हैं कि नहीं आते हैं, आप हालात देख करके तो खुद ही समझ सकते हैं जिस तरीके से जरा दिखाया जाए कैमरे के माध्यम से। और यहाँ पे एक चाचा जी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? सब्बीर खां। चाचा ये जो नालियाँ बनी है नाली यहाँ पे, आप ये आपके घर के ठीक सामने है, इसको आप साफ करते हैं सफाई कर्मी? नहीं, हम खुद अपने हाथ से साफ करता हूँ। आप खुद साफ करते हैं? बिल्कुल, कई मरतबा। अच्छा, कई बार आप कर चुके हैं? जी हाँ। तो यहाँ कभी नहीं दिखाई देते सफाई का? हमारे वाल नहीं आते, अब उधर के नहीं बता सकते हम। अच्छा, इधर नहीं आते हैं? हमारे वाल नहीं आए किसी दिन। ये तो कोई प्राइवेट नाली तो है नहीं बनवाया, तो सरकारी प्रधान? सब सरकारी है, प्रधान ने बनवाई ना। अच्छा अच्छा, तो ये प्रधान जी से आप लोग शिकायत नहीं करते सफाई कर्मी नहीं? और कहा कहे प्रधान बेचारा कहा कहा तो थक जात है। अच्छा, कौन प्रधान कहते हैं? जी हाँ, कई मरतबा कहा था, एक जगह कहूँ वही मोहल्ला उठाप कह दिन वहाँ कह दिन झूठ का करे बोली। अच्छा, उसका कहना कोई कसूर नहीं है। अच्छा, ये सब काम करने वाले का कसूर है, ये सफाई कर्मी की लापरवाही है। तो का? वो खुद नहीं आते हो? अच्छा, वाह बाहर का जगह महीने नहीं होगा। अच्छा अच्छा, आइए हमको कि इस गांव में जब हम आए तो हमें यहाँ पे बड़ी दिक्कत लगी नालियों की, जिस तरीके नालियाँ तो बनी है यहाँ पे, लेकिन हमें नहीं लगता कि सफाई कर्मी यहाँ पे आते हैं। नहीं साहब, सफाई कर्मी औते ही नहीं। सफाई कर्मी नहीं आते? नहीं आते, कभी नहीं आते। हाँ हाँ साहब, गंधा थे नाली ऐसे ऊपर कहीं बहात है। अच्छा हाँ, तो ये प्रधान जी इसको साफ ऑफ नहीं करवाते? प्रधान जी बहुत रे का बताइए, अब की आए हैं एक दाई का जनी कोने हमा एक थोड़ी अब की साफ कराए के एक सब धराए सब टूट जाता है। ये जहाँ वो कहूँ वारी धरे नहीं ना, यही धरा है। अच्छा, सब टूट जाता है। एक दाई साफ करवाए उनके बाद रे सब अपने बूते ना कचरा बहाओ, कहाँ ले जाओ का कहाँ नहीं। आप लोग खुद अपने हाथ से? अपने हाथ से सबके मुहारे जौन जौन है अपने हाथ से साफ करो जी, और के बाद कचरा कहाँ के ले जाओ बहाओ उठाओ, ये सब परेशानी। अच्छा, चलिए ठीक। ये कुछ सरकार द्वारा आपको लाभ भी कुछ मिला है? कौनो लाभ नहीं मिला भी, कोई लाभ नहीं। कौनो ना खाई राशन मिलत है, दो तीन दाई चार दाई से राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलत है बस। और रे अच्छा, ये शौचालय नहीं मिला आपको? नहीं सर, शौचालय नहीं मिला। हाँ अच्छा, ये इसके लिए कभी आपने कहा प्रधान जी से? बहुत दाई कहा गवा, लेकिन सुनते नहीं है? सुन तो कुछ नहीं सुने, सुनवाई कौन नहीं भाई। अच्छा अच्छा, और अच्छा भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा, गांव में यहाँ पे नाली की समस्या, सफाई कर्मी की समस्या लोगों ने खूब बताया। एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे कि विद्युतीकरण के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे विद्युतीकरण हो पाई है या नहीं हो पाई है, तो क्यों नहीं हो पाई है? बराबर लाइट यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, लाइट तो बराबर आ रही है, बस प्रॉब्लम यही है ना कि लाइट जो है दूसरे चौथे पचे दिन रोज खराब होती है। अच्छा, कुछ फेसों में आती है, कुछ नहीं आती है। अच्छा, ये लाइट की समस्या? लाइट की समस्या बहुत है। अच्छा, तो ये कैसे ये बन पाता है कि नहीं, समय से बन जाता है कि अब नहीं? हमारे प्रधान जी हैं, वही जो बना रहे हैं। नहीं रहे प्रधान, हमें मुंह के ऊपर बतलाई थे, पीछे पीछे नहीं बतलाई थे हम ना। प्रधान रहे तभी लाइट बनवाई है, नहीं रहे तभी बनवाई है। अच्छा, कौन प्रधान है ये? हमारे मानुल्ला प्रधान। अच्छा, वही प्रधान? हाँ वही प्रधान। प्रधान महिला है? हाँ, आपको पता है महिला प्रधान है। हाँ, अरे भाई मैसरी। चलिए ठीक। चाची, लाभ भी कुछ मिला है आपको सरकार की तरफ से? लाभ जैसे शौचालय, राशन कार्ड या उज्ज्वला योजना, गैस चूल्हा? गैस चूल्हा, देखो भाई गैस चूल्हा तो हम पाए हैं। अच्छा, आपको मिला है? हाँ, सिर्फ लैटरिन का पैसा नहीं मिला बस। आपको नहीं मिला? हाँ, हमको नहीं मिला। पहले से आप बना रखी थी या फिर? बात या पहले बनी रही? हाँ, पहले सुनो, लिस्ट में नाम नहीं था? हाँ, लिस्ट में नाम था मेरा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। लिस्ट में नाम था फिर भी नहीं? हाँ, फिर भी नहीं मिला। हमारी ये छोटी वाली लड़की थी, अभी नई लैटरिन बनी है, तब भी उसको नहीं मिला पैसा? नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। कभी पूछे प्रधान जी से काहे नहीं मिला पैसा? सबको मिल रहा, हमको भी मिला। तिला दिया तो कह रहे हैं कि नाम लिखा अभी आया नहीं, अब सारे संसार सारे गाँव में सबको मिला। अच्छा, हाँ मैंने बात कहना है, मैं आपके सामने तिला कर रही हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए। अच्छा, अभी भी कुछ गांव में नाली खड़ंजा कुछ बनवाए हैं प्रधान जी, कोई दिक्कत है? हाँ, अरे उन्होंने बहुत काम किया मानुल्ला ने, बहुत काम किया। हाँ, किया कहने। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, अब की बार यही प्रधान होंगे कोई दूसरा इस हिसाब से?
नहीं चाहिए तो यही प्रधान। देखो प्रधान ऐसा है पीछे पीछे में गद्दारी नहीं करेगा है, प्रधान बन जाए तो यही प्रधान अच्छा है, सबसे अच्छा जो काम करे गाँव के लिए, हम लोगों के लिए, जनता के लिए, हमारे लिए कोई नहीं। तो ये तो लेटरिन फेटरिन क्या है, लेटरिन से जिंदगी कटती है, लेकिन ऐसा है आ जाएगा। अच्छा प्रधान यही को होना चाहिए कि कोई और? नहीं नहीं प्रधान तो यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। चलिए ठीक है, प्रधान मिलवो ना। लोगों का कहना है कि प्रधान से संतुष्ट हैं और कार्य भी खूब किए हैं, यहाँ पे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, लोग ये सुख दुख में काम भी देते हैं यहाँ के प्रधान, यहाँ के लोग प्रधान से काफ़ी संतुष्ट दिखे। तो आइए ले चलते हैं सीधा इस ग्राम सभा के प्रधान जी के पास। मौजूद हैं इस समय हम ग्राम सभा मेहदौना में, और ये मिल्कीपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत में है। और अभी हमने यहाँ के लोगों से जाना यहाँ के विकास के बारे में कि प्रधान जी यहाँ पे कितने विकास के कार्य किए हैं और कितने भी बाधित हैं। सारी जानकारी लेने के बाद अपने कहने के मुताबिक हम पहुँच गए हैं इस ग्राम सभा के प्रधान जी के पास, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हालांकि यहाँ की प्रधान जो हैं वो महिला हैं, और उनके पति और प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब मौजूद हैं यहाँ पे। तो आइए जानते हैं इनसे इनके 4 साल के कार्यकाल के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह खान। भाई साहब यहाँ की प्रधान महिला हैं, वो आपकी पत्नी है? जी। क्या नाम है उनका? मैसरी बानो। अच्छा, कभी महिला हैं और प्रधान हैं वो, कभी महिलाओं के बीच में वो जाती हैं रूबरू होने के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए? बिल्कुल जाती में। जी हाँ जाती हैं, जाती हैं जी। अच्छा, कभी वो गई हो, कमी लेकर आई हो उस ग्राम सभा, इस हमारे ग्राम सभा के उस पूर्वे में ये कमी है, वहाँ पे काम भी किया गया हो, विकास किया गया हो, क्या ऐसा कुछ काम हुआ है? नहीं, काम बहुत हुआ है, जो भी मुझसे हो पाता था वो मैंने किया है। लगभग 600 से 700 के बीच में जो है शौचालय बना है हमारे यहाँ। अच्छा, गरीबों का। और 300 से 400 के बीच में जो है पात गृहस्थी राशन कार्ड बने हुए हैं। नाली, खड़ंजा, रोड, चक्रोड बने हुए हैं। और इस गांव के लोगों ने जो एहसान मुझ पर किया है, हमारा ख्याल है कि मेरी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। अच्छा, और ये एहसान नहीं अदा होगा। चलिए ठीक है जी। आप एहसान अदा कैसे करेंगे ये हमें लगता है कि हमें नहीं पता है, लेकिन विकास को लेकर के जिस तरीके से लोगों ने बताया कि यहाँ पे प्रधान जी विकास खूब किए हैं, विकास की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे रोड नहीं था, नाली नहीं था, खड़ंजा नहीं था, लेकिन लोगों ने यहाँ पे विकास जो है प्रधान जी द्वारा यहाँ पे विकास खूब किया गया है। अभी भी कुछ लगता है कमी की, विकास कुछ कमी है यहाँ पे, विद्युतीकरण की बात कर लें, राशन कार्ड की, पेयजल समस्या की, नाली खड़ंजा निर्माण की, इन सब की बात को लेकर के अभी भी कुछ कमी लगता है यहाँ पे? लगभग विद्युतीकरण हमारे यहाँ पूरे हो चुके हैं और जो शेष बचे हैं वो हो जाएंगे। अच्छा, और बाकी नाली खड़ंजा जो बने थे, जहाँ तक प्रयास किया हमने, जहाँ तक हो सका वो हमने किया जी। बाकी आगे भी करते रहेंगे, और चुनावी साल तो चल ही रहा है जी। अगर यहाँ की जनता ने मौका दिया जी, तो जो कमी है वो भी पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप विकास को लेकर के बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे, अच्छी बात है। अच्छी चीज़ यहाँ गांव में जो बड़ी समस्या एक होती है वो है पानी निकासी की जी। हालांकि रास्ते का भी, चक्रोड की भी समस्या होती है, लेकिन उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया है, लोगों ने बताया भी। लेकिन जो नालियाँ बनी हैं, नाली का भी कार्य खूब किया गया, लेकिन उसको साफ करने के लिए सफाई कर्मी यहाँ पर नहीं आते हैं, कारण क्या है जो नहीं यहाँ पर आ पाते? सफाई कर्मी हमारे यहाँ होना चाहिए दो, क्योंकि एक ही सफाई कर्मी है, 5 विद्यालय हैं हमारे यहाँ। अच्छा, अगर वो साफ करना शुरू करता है तो लगभग जो है पूरा दिन उसी 5 विद्यालय में ही बीत जाता है, लेकिन फिर भी वो समय निकाल करके हमारे गांव और बस्तियों में जो है वो आता है, सफाई करता है। अभी एक चाचा जी मिले थे, वो खुद नाली को साफ कर रहे थे, हम उनको साफ करते हुए हमने उनको बात भी किया, तो उन्होंने कहा यहाँ कभी सफाई कर्मी नहीं आते हैं जी। और हमने उनसे कहा कि प्रधान जी से आप लोगों ने शिकायत किया, कहते हैं प्रधान जी भी कहते हैं लेकिन उनके भी बात नहीं मानते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस जो मेन समस्या यही है कि वो 5 विद्यालय, एक ही सफाई कर्मी हमारे यहाँ, इसलिए समस्या है कि कम से कम 2 सफाई कर्मी हमारे यहाँ होने चाहिए। ठीक है, हमने बनाया है, उसको बनवाया है। अच्छा, एक चीज़ प्रधान जी, और समय बहुत कम बचा है जी, और कार्य को देखते हुए गांव में विकास भी अभी बहुत सारे करने हैं जी। लोगों ने बताया भी है कि प्रधान अगर हो तो यही होना चाहिए जो है कि, और ऐसा कोई प्रधान मिला नहीं। आपको कुछ लगता है कि समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है, क्या और कर देना चाहिए विकास गाँव में? देखिए, जितना हो पाएगा उतना हम करेंगे, बाकी
चुनाव आने वाला है, अगर जनता हमारा काम पसंद करेगी तो दोबारा फिर जो है हमको जिताएगी। चलिए ठीक है, आप जनता के भरोसे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ये मौजूद थे प्रधान पति और प्रतिनिधि के तौर पर ग्राम सभा मेहदौना के भाई साहब, इन्होंने बताया अपने 4 साल के कार्यकाल के बारे में और बहुत कम समय जो बचा है ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए इच्छुक हैं। धन्यवाद।